जैमसी दी, मेरा नाम संदीप सिंह है ते मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाले तो हाँ। अज मैं अपनी जिंदगी दी सब तो वड्डी गवाही देण जा रहा हाँ। हुण मेरी उम्र 30 साल है। जो तो मैं 16 साल दा सी मैं विआह ते गया, उत्थे मेरे फ्रेंड्स ने मैनू दारू पियाई, कहिंदे पी के देख। तो जो मैं वो पीती तो मैनू थोड़ा नशा होया, तो नशा होने के कारण मैं होर पींदा गया तो सारी रात मैं ड्रिंक की। जो मैं सवेरे उठाया तो मेरी मम्मी के डैडी ने सानू बहुत डांटिया, तो जिदे कारण सब रिश्तेदार सामने मैंने शर्मिंदगी का सामना करना पाया। जदों मैं मैरिज तो घर आया तो मैनू दारू पीण का दिल करी जाता सी मेरा भी मैं होर पीवा, तो घरदे दे डर तो मैं घरदे दे सामने पींदा नहीं सी। तो जदों मेरे घर दे मेरी मम्मी किते जांदे सी मैं जाके शराब दे ठेके तो दारू ले आंदा सी, उन्हां दे पिछों मैं दारू पीनी शुरू करती। एक क्वाटर पौआ एक दो पैक डेली पींदा पीण लग पिया मैं। तो उतों साल दो साल बाद मैं ड्राइविंग करनी शुरू की, तो मैं टैक्सी चलांदा सी, तो टैक्सी लाइन च मैं शराब दे नाल नाल सिगरेट जरदा बीड़ी भुक्की अफीम डोडे जो भी मैनू नशा मिलना मैं करदा सी, ते नशा करके ही मैं ड्राइविंग करदा सी। जदों दिल्ली नू जाना ते जांदे होए भी नशा करना फुल, ते आंदे होए भी भुक्की दा नशा करना। फिर हौले हौले मेरे घरदे नू मेरे नशे बारे पता लग गया, ते उन्होंने मैनू बिठा के मैनू बहुत समझाया पर मैं नहीं समझिया। ते मैं ते कुछ चिर बाद मेरे घरदे ने मेरी मैरिज करती, ते मैं नशा नू मैरिज तो बाद भी नहीं सी छड्ड पा रहा। जिस दिन मेरी मैरिज हुई उस तो बाद जदों मैं घरे आया ते घरे आके मैं ड्रिंक कीती बहुत, ते ड्रिंक करन तो बाद मैनू कुछ नहीं सी पता लगा। ते मैं घरे आके इन्ना कलेश पाया, इन्नी लड़िया अपने माँ प्यो नाल ते अपनी घर दी नाल, ते जिहदे कारण मेरी वाइफ नू भी पता लग गया कि ड्रिंक बहुत करदा। ते मेरी वाइफ मैनू कहिंदी कि मैनू नहीं सी पता कि तू इन्नी ड्रिंक करदा, नहीं तो मैं तेरे नाल विआह नहीं सी करवाउणा। उस तो बाद मेरे सहुरे परिवार ने मैनू बहुत समझाया ते मैं उन्हां दी भी नहीं मन्नी, जिहदे कारण मेरे घरे कलेश दिन पर दिन बहुत वधदा गया। ते लड़ाई झगड़ा डेली मैं दारू पी के घरे आना, तो बिना गल तो ही उन्होंने घरदे नाल लड़ना, जिहदे कारण मेरी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई। तो मैं बारे ड्राइवरी करता सी, बारे मैं रहिंदा सी, ते जिहदे कारण मैं घरदे नाल बिल्कुल ध्यान नहीं देना। उस तो बाद मैनू दोस्त भी सारे इदां दे मिले, सारे नशेड़ी सी जो नशे करदे सी, जिन्हां नाल मैं नशा करदा रहिंदा सी, ते भुक्की फीम ते गांजा जो मैनू नशा मिलना उन्हां नाल मैं करदा सी डेली। इस तो बाद मैनू दारू पीण दे नाल नाल मैं दारू वेचनी भी शुरू कर दित्ती। जदों मैं नशे वेचने शुरू किते, दारू दी सप्लाई शुरू की एरिए च, ते जिहदे करके मैनू कोई भी बुलाना पसंद नहीं सी करदा। फिर मैं अपनी ड्राइवरी दा काम छड्ड दित्ता ते पूरी तरह पूरे एरिए विच नशा वेचना शुरू कर दिता। फिर नशे दे नाल नाल मैं व्यभिचार च चला गया, ते यारा दोस्तां नाल गंदे मजाक करन लग पिया। फिर समें दे नाल नाल मेरी उम्र वधदी गई ते मेरे नशे भी वधदे गए, ते फिर मेरे घर बेटी हुई, ते बेटी होने तो बाद भी मैं नशे करदा रहा, ते मेरा रोज़ वाइफ नाल लड़ाई झगड़ा होना, ते घरदिआं नाल मेरी हथोपाई होनी रोज़ ड्रिंक करके। जदों मैं नशा करके घर आना तो मैनू नहीं सी पता हुंदा मैं बैड ते जदों सोना मैं कित्थे पिया कित्थे नहीं पिया। जदों मैं सवेरे उठना मेरी वाइफ मेरे नशे दे कारण बहुत रोंदी सी, ते मैनू डेली कहिंदी सी कि तुसी अज दारू पी के ना आयो, पर जिस दिन उसने मैनू कहना कि तुसी अज दारू पी के ना आयो उस दिन मैं होर वध पी के घर जांदा सी। फिर दिन च मैं एक बोतल शराब एक बीड़ी दा मंडल दो गोलियां भुक्की अफीम सारा नशा इकट्ठे ही कर लैंदा सी। मैं नशा छड्डन दी बहुत बार कोशिश की, पर तू जिद्दां ही शाम होनी मैनू नशे दी तलब होनी, ते मैं नशा करन लई घरों बाहर निकलना ते यारा दोस्तां नाल मिल के होर वध नशा करना, जिहदे कारण मैं बहुत परेशान रहिंदा सी, डिप्रैशन च रहना मैं शुरू कर दिता। फिर एक दिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने मैनू खांबरा चर्च बारे दस्या, उन्हें मैनू कहा कि तू साडे नाल खांबरा चर्च चल उत्थे तेरे सारे नशे छुट जाणगे। फिर जदों मैं पहली बार खांबरा चर्च आया फिर मैं इत्थे आ के गवाहियां नू सुनिया ते वचनां नू सुनिया ते मैनू बहुत वधिया लग्या, ते मैनू लग्या कि जे आ लोग आजाद हो सकते ने तां मैं भी इत्थों आजाद होवांगा। ते उदों बाद जदों मैं घरे गया ते अगले हफ्ते मैं अपने घरदिआं नू कहा अपनी घरदी नू कहा कि मैनू खांबरा चर्च लै चलो। फिर मैं लगातार खांबरा चर्च आंदा रहा ते मीटिंगां अटेंड करदा रहा। फिर मैं अंकर नूरला मिनिस्ट्री दी लेहन वैबसाइट ते अपना फॉर्म फिल किया। फिर 13 मार्च 2022 नू जदों मैं खांबरा चर्च आया तां उस दिन परमेश्वर दे दास ने मेरे उत्ते लेहन प्रेयर कीती। कुदरत है उसी के क
कलाम में मौजज़ा होता है यीशु नाम में कुदरत। जदों परमेश्वर दे दास ने मेरे उत्ते लेहन प्रेर कीती तां मैनूं बहुत जोर दी झटका लग्या ते मैनूं बहुत हल्का महसूस होया। फिर जदों मैं घरे गया ते मैं घरे नशा करन दी कोशिश कीती ते मैं नशा नहीं सी कर पा रहा ते नशे नूं देखदे मैनूं उल्टी करन नूं मन करदा सी। हुण मैं किसे भी तरह दा नशा नहीं करदा ते ना ही व्यभिचार करदा। उस दिन तो बाद फिर मैं नशा वेचना छड्डता। हुण ना ही मेरे घरे कोई लड़ाई झगड़ा ते ना ही मेरे घर दे मेरे तों परेशान है ते ना ही मैं कोई फालतू खर्चा करदा। मैं जो भी कमाउंदा अपने घरे दिंदा ते हुण मेरे बच्चे भी मेरे तों बहुत खुश ने, मेरी वाइफ भी मेरे तों बहुत खुश है ते मेरी मम्मी भी मेरे तों बहुत खुश ने। जिहड़े लोग नशा करदे हन मैं उहनां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं भी प्रभु येशु मसीह कोल आओ। वह आजादी देण वाला परमेश्वर है। जिस तरह उन्होंने मैनू आजादी दिती प्रभु ने, वह तुहानूं भी जरूर आज़ाद करेगा। तो इस वड्डे छुटकारे लई मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा हाँ ते परमेश्वर दे दास अते परमेश्वर दी दासी दा धन्नवाद करदा हाँ। सारयां नूं जय मसीह दी।